तीसरी थाना क्षेत्र के केवटाटांड मोड़ पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि केवटाटांड निवासी मन्नू वर्णवाल बाइक से तीसरी चौक स्थित सब्जी दुकान जा रहे थे कि गांवा तरफ से आ रही यात्री बस बाइक को अपने चपेट में ले ली और बाइक को 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे मन्नूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनन फानन में तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज कर रेफर कर दिया गया, जो रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर परिजन व ग्रामीण आक्रोशित होकर शव को मुख्य सड़क पर रखकर जाम कर दिए। इधर सूचना मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। इस मौके पर भाकपा माले विधायक राजकुमार यादव, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल सहित कई गणमान्य लोग घटनास्थल पर पहुंचकर समझा बुझाकर जाम को हटाया। बाबू हम लोग चले, क्लेम है, इंश्योरेंस है, जो सिस्टम है, तो तुम जामे रखो, हम अब चलते हैं। अरे सुनो ना, हाँ भैया सुनो, दो लाख रुपए हम दिला रहे हैं, अभी अपने डायरेक्ट मालिक से बात की और कहे जब तक तो 2 लाख रुपए आरटीजीएस का चेक नहीं देगा तुम्हारा गाड़ी यहाँ से हिलेगा नहीं, पहला बात। दूसरा बात है कि अबुआ आवास, 20,000 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, पेंशन, ये वीडियो साहब गारंटी लिए, ये 3 चीज है। अब बात है कि जितना माने जा करके खेती बनेगा, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस 10 लाख 5 लाख, वो आपको 6 महीना के अंदर में सहयोग करेगा, कागज ओके है, आपको मिलेगा। तो आप जो हो गया उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम यही है, आप मनमाना करोगे तो नहीं, कोई मनमाना नहीं घुमा दिया जाएगा।